बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां वोटिंग की उलटी गिनती शुरू हो गई है। 25 दिन बाद पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी भी आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है और इसके लिए बीजेपी की तरफ से ब्रह्मास्त्र तैयार है। बंगाल में चलेगा मोदी मैजिक, मोदी के मेगा शो की तैयारी। आज योगी भी करेंगे बंगाल में एंट्री। बंगाल की ड्रीम गर्ल ने थामा बीजेपी का दामन। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी आखिरी दौर की लड़ाई शुरू करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी के ब्रह्मास्त्र यानी पीएम मोदी को मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ की रैली में आई भीड़ को देखकर गठबंधन के नेता गदगद हो गए। बीजेपी ब्रिगेड ग्राउंड में इससे भी बड़ी रैली करने की तैयारी में है। 7 मार्च रविवार को पीएम मोदी की ब्रिगेड ग्राउंड में रैली होगी, जिसमें बीजेपी ने 10 लाख से ज्यादा लोग जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऐतिहासिक ब्रिगेड होगा, अपना जाने लोकसभा आगे हमारा एक दिन दो ब्रिगेड कर उत्तर बांगला आलदा कर दक्षिण बांगला आलदा कर भारतीय जनता पार्टी दो ब्रिगेड कर मतलब क्षमता आज আমাদের পার্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচারও আছে, নেতৃত্ব আছে আর সাপোর্টার গ্রুপ আছে, 10-15 লাখ লোক এদিন ব্রিগেডে আসবে। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लेफ्ट की रैली में 7 से 8 लोग आए थे। ब्रिगेड मैदान की भीड़ को लेकर बीजेपी टीएमसी पर निशाना साध रही है। একদিন তারা সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যেখানে আওয়াজ উঠেছিল কান में बीड़ी मुंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा बाद में भारत स्वाधीन होगा। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের লাগাতার তোষণের রাজনীতি, তৃণমূল কংগ্রেসের লাগাতার বিভাজনের রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে আজকে এই ধরনের শক্তির উত্থান সম্ভব হয়েছে। বিজেপি রবিবার কো জ্যাদা ভিড় জুটাকর পিছলে রবিবার কা রেকর্ড ধ্বস্ত কর পরিবর্তন কা সন্দেশ দেনে কি তৈয়ারি মে জুটি হে। পিএম মোদি কি র্যালি কি তৈয়ারিও কে লিয়ে পহলে অমিত শাহ কো ভি আনা থা, লেকিন আব সারি জিম্মেদারি বিজেপি কে বাকি নেতাও কো সৌপ দি গই হে। सियासी पारा चढ़ाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम बंगाल के मैदान में उतर रहे हैं। सीएम योगी बांग्लादेश सीमा से सटे मुस्लिम बहुल मालदा में रैली करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन इलाकों में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। साथ ही पीएम मोदी की रैली से पहले सबसे बड़ी रैली करके योगी माहौल तैयार करने वाले हैं। रैली रोड शो के साथ बीजेपी बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़कर लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। बंगाल में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर श्रवंती चैटर्जी भी बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले भी बांग्ला फिल्मों से जुड़े कई सितारे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ममता को समर्थन देने पहुंचे तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि इन बीजेपी की बारात में दूल्हे का पता ही नहीं है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बारात लेके आई हुई है बंगाल, सारे केंद्र मंत्री, इनका दूल्हा कौन है? क्या कोई भी बीजेपी का एक नेता का नाम बता दीजिए जो ममता बनर्जी से ज्यादा अनुभवी हो सरकार चलाने में? तो जिसका कोई एक्सपीरियंस आपका असेंबली में नहीं रहा, पार्लियामेंट में नहीं रहा, आप उसको सत्ता सौंपेंगे? एक अनजान व्यक्ति को। तेजस्वी सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी पर वार कर रहे हैं तो बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर ममता पर हमलावर है। कार्यकर्ता है, दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के रेप के केस हैं। जब एक बंगाल की बेटी मुख्यमंत्री है तो फिर बंगाल के अंदर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? ममता बनर्जी ने किम जोंग का बंगाल बना दिया, कोरिया वाला राष्ट्रपति किम जोंग का बंगाल बना दिया कि हमारे विरोध में जो बोलेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। आज गुंडागर्दी की छूट है, लोकतंत्र का वहां कोई महत्व नहीं है। बंगाल चुनाव में हिंसा, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे शुरू से हावी रहे हैं। पार्टीवार हिंसा से चुनावी पारा लगातार चढ़ रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।